इंडियन आर्ट्स के बारे में हमारा जो सेशन चल रहा था वो मौर्य काल के बाद जो ट्रेंड्स आए थे कला में इंडियन आर्ट्स में उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके हमने दो पार्ट कवर कर लिए थे जिसमें हमने अजंता एलोर तक की जो केव्स थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो हमारा लेक्चर 4 का पार्ट 3 है, भारतीय कला और वास्तुकला में जो मूर्त रुझान आए थे उसका पार्ट ये 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे स्तूपा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर सांची जो है वो विश्व धरोहर स्थल है। अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्तूपों के साथ सांची में 3 मुख्य स्तूप है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और जो ये सांची है ये विश्व धरोहर स्थल है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये डिक्लेयर की हुई है यूनेस्को के द्वारा। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा ये डिक्लेयर की गई थी 1989 यानी कि 1989 में ये डिक्लेयर करी गई थी। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये सांची का स्तूप है ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इसको घोषित किया गया था? तो सन 1989 यानी कि 1989 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया गया था। माना जाता है कि जो स्तूप 1 है उसमें किसके अवशेष है? उसमें बुद्ध के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। स्तूप 2 जो है वो 3 अलग अलग पीढ़ियों से संबंधित है जिसमें 10 से कम प्रसिद्ध अर्हतों के अवशेष हैं। उनके नाम अवशेष ताबूत पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो स्तूप 1 है वो बुद्धा का है, बाकी जो 2 है वो अलग अलग पीढ़ियों का है जो दूसरा है। स्तूप 3 में आपको सारिपुट्टा और महा मोगलियन के अवशेष देखने को मिलेंगे। तो स्तूप 1 किसका हो गया? बुद्धा का हो गया। और जो स्तूप 2 है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का है। जो तीसरा है वो सारिपुट्टा और महा मोगलियन के अवशेष हैं। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये सारिपुट्टा और ये महा मोगलियन के अवशेष हैं कौन सांची के कौन से स्तूप पर हैं? तो ये स्तूप नंबर 3 पर हैं। स्तूप 1 जो अपने द्वारों और नक्काशी के लिए जाना जाता है स्तूप वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यानी कि जो स्तूप 1 है जो बुद्धा वाला वो अपनी नक्काशी और वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। मूल रूप से स्तूप एक छोटी ईंट की संरचना थी जो एक अवधि में विस्तारित हुई। यानी कि जो पहले सांची का स्तूप था वो बेसिकली ईंटों का बनाया हुआ था जो बाद में विस्तारित हुआ। उस पे एक पत्थर है, वेदिका है और तोरण से ये घिरा हुआ है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये तोरण यानी कि इसको क्या बोलते हैं? तोरण यानी कि ये इसके गेट हैं और ये इसकी वेदिका है। इस तरीके से इसको ये घिरा हुआ है, इसके यानी कि दक्षिणापर्त वगैरह ये है इसकी। एक शिलालेख के साथ अशोकन सिंह राजधानी है जो यानी कि अशोक की लोयन कैपिटल जो सारनाथ में पाई गई थी वो एक जो उसका दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पर भी ये आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये रही यानी कि ये कैपिटल हो लोयन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो अशोक की सिंह राजधानी है वो स्तूप के कौन से हिस्से पर है? तो वो साउथ हिस्से पर है यानी कि वो दक्षिण हिस्से पर है, जो दर्शाता है कि कैसे सांची मठवासी और कलात्मक विधियों का केंद्र बन गया। दक्षिण का प्रवेश द्वार पहले बनाया गया और उसके बाद अन्य। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बन गया रेड वाला जो रखा है ये, कि सबसे पहले कौन सा तोरण बनाया गया था? तो सबसे पहले जो दक्षिण का जो गेट है वो बनाया गया था। स्तूप के चारों ओर परिदक्षिणापथ इस स्थल से आच्छादित है। चारों द्वारों को मूर्तियों से गहनता से सजाया गया है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि इन जो चारों के तोरण है इसके मूर्तियों से सजाए हुए हैं। बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से खाली सिंहासन पैर छत स्तूप आदि के रूप में दिखाया गया है। चारों दिशाओं में तोरणों का निर्माण किया गया है। उनकी जो शैलीगत भिन्नताएं हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से उनके संभावित कालक्रम का संकेत देती है। हालांकि जो स्तूप 1 है वो सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? स्तूप नंबर 1 यानी कि बुद्ध वाला। लेकिन जो वेदिका पर छवियों की नक्काशी है वो स्तूप 1 से पहले स्तूप 2 पर उकेरी गई थी। कहने का मतलब ये है कि स्तूप 1 तो सबसे पुराना है लेकिन जो वेदिका और छवियों की नक्काशी है वो स्तूप 1 से पहले स्तूप 2 पर पाई गई है। जातक भी स्तूपों की कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। तो जातक कथा किससे रिलेटेड है? वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है जो कि स्तूप में पहले की है। सांची की आकृति आकार में छोटी होने के बावजूद मूर्ति कला में काफी निपुणता दर्शाती है। उनके शरीर का शारीरिक उपचार गहराई और आयाम दोनों को दर्शाता है जो बहुत ही प्राकृतिक है। कहने का मतलब ये है जो आप ये तोरण में ये देख रहे होंगे ये जो मूर्ति कला बनी हुई है ये छोटी तो है लेकिन ये काफी आकर्षक है और ये काफी मजबूत सर वो दिखाती है। ये स्तंभों पर संरक्षक चित्र है और शल भंजिका यानी कि एक पेड़ की शाखा को धारण करने वाली महिला मूर्तियां उनके मात्रा के उपचार में उल्लेखनीय। जो आप ये लेडीज देख रहे होंगे ये
ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शल भंजिका। तो स्तूप 2 की पूर्व की मूर्तियों की कठोरता अब नहीं रही। प्रत्येक तोरण में 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी कि 2 ऊर्ध्वाधर आप ये देख रहे होंगे, 2 पिलर जो देख रहे होंगे ये, यानी कि ये कॉलम है, ये 3 क्षैतिज पट्टियां देख रहे होंगे आप, ये 1, 2 और ये 3। तो 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, प्रत्येक क्षैतिज पट्टी को अग्रभाग के साथ पीछे की ओर विभिन्न मूर्ति कला मूर्ति विषयों से सजाया गया है। नीचे से सबसे क्षैतिज पट्टी के विस्तार का समर्थन करते हुए शलभंजिका की छवि है। तो शलभंजिका जो मैंने दिखाई थी कौन है, ये शलभंजिका है। तो इसमें 2 पिलर होते हैं और 3 रो हैं। बैठे बुद्ध, यानी कि जो कटरा टीला की जो बैठी है, कि बैठे बुद्ध की कटरा टीला पे बैठे हुए हैं। ये मूर्ति कहाँ से पाई गई है, मथुरा से पाई गई है। मथुरा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में मूर्तियां बनाने का एक बड़ा केंद्र था। कुषाण काल की बड़ी संख्या में चित्र मथुरा से ही मिले हैं। कटरा टीले से बुद्ध की छवि 2 शताब्दी ईस्वी की है। तो कटरा के टीले से तो बुद्ध की छवि मिली है, कौन शताब्दी की है, वो 2 शताब्दी ईस्वी की है। कुषाण काल का जो महान शासक कौन था, कनिष्क था, यानी कि जिसके नाम पर वो संवत भी चलता है हमारा। तो ये कुषाण जो था ये कौन से धर्म का था, ये हीन यान, वो सॉरी महायान धर्म को मानने वाला था। ये बौद्ध में 2 धर्म होते हैं ना, हीन यान और महायान, तो ये महायान को मानने वाला था कनिष्क। ये तो बौद्धिस्ट यानी कि सेवकों के साथ बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध इसमें पद्मासन यानी कि क्रॉस फोल्डेड पैर यानी कि वो लैप बना के बैठे हुए हैं और दाहिना हाथ अभयम्य मुद्रा में है। यानी कि जो आप इसको तो पीछे देख रहे हैं ये बुद्ध जी के सेवक हैं। कंधे के स्तर से थोड़ा ऊपर उठाया गया है, जबकि बाएं हाथ को वो बाई जांघ पर रखा गया है। यानी कि जो उनका राइट हैंड है वो कहां पर है, राइट थाई पर है। उषा निशा यानी बालों की गांठ को एक लंबवत उभरे हुए प्रक्षेपण के साथ दिखाया गया है। इस काल की मथुरा की मूर्तियां मांसल शरीर वाली हल्की मात्रा में बनाई गई है। कंधे थोड़े चौड़े हैं, संटी यानी परिधान केवल एक कंधे को ढकता है और बाएं हाथ को ढकते हुए प्रमुखता से दिखाई देता है, जबकि धड़ को ढकते समय परिधान की स्वतंत्र मात्रा के धड़ को कम कर देती है। बुद्ध सिंह सिंहासन पर विराजमान है। परिचर जो आकृति की पहचान यानी कि वो पद्मामणि और वज्रपाणि बोधिसत्व की छवियों के रूप में की जाती है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो कटरा के टीले पर महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, जो उनके दो ये परिचर हैं, उनके नाम क्या है। तो उनके नाम, एक का नाम पद्मपाणि है, दूसरे का नाम वज्रपाणि है। क्योंकि एक एक के हाथ में क्या है, कमल। पद्मपाणि यानी कि जो हाथ में कमल धारण किए हुए है, वज्रपाणि यानी जिसके हाथ में क्या है, वज्र है यानी कि इंद्र का वज्र। वे मुकुट पहनते और बुद्ध के दोनों ओर हैं। बुद्ध के सिर के चारों ओर मंडल प्रभाव मंडल बहुत बड़ा है और इसे सरल ज्यामिति रूपांकन से सजाया गया है। लचीलापन पिक्चर स्पेस में पहले के बहुत सारे मूवमेंट को बदल देता है। लचीलापन छवियों में पहले की कठोरता को बदल देता है, जिससे उन्हें अधिक भूगर्भीय रूप मिलता है। शरीर के उग्र उतने ही नाजुक रूप से उकेरे गए हैं। बुद्ध की छवि की सीधा मुद्रा अंतरिक्ष में गति पैदा करती है। मांसल गालों से चेहरा गोल होता है। पेट के उभार को नियंत्रित मांसलता से दर्शाया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मथुरा में कुषाण के समय से मूर्तियों की कई उदाहरण है। तो जो बेसिकली जो मथुरा से जो ये बुद्धा की मूर्ति मिली है, कौन से पीरियड की मिली है, ये कुषाण के समय की मिली है। लेकिन यह छवि प्रतिनिधि और बाद की अवधि में बुद्ध छवि के विकास के समझने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं बुद्ध प्रधान तक्षशिला, यानी कि जो बुद्ध का फेस है वो तक्षशिला से मिला है। तो गंधार क्षेत्र में तक्षशिला यानी कि इसके आचार्य कौन होते थे, इसके आचार्य थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो प्रधानमंत्री होते थे। कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य, वो क्या थे, वो इसके प्रधान टीचर थे, यानी कि अध्यापक थे। वो तक्षशिला में पढ़ाते थे। यानी कि हमारी जो सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला, जो वो फिलहाल वर्तमान पाकिस्तान में है, 2 शताब्दी ईस्वी का है और कुषाण काल से ये संबंधित है। तो ये क्वेश्चन एक बन जाएगा, जो ये बुद्ध का जो फेस तक्षशिला में मिला है ये कौन से काल से संबंधित है, ये कुषाण काल से संबंधित है। छवि संस्कृत सचित्र सम्मिलन को दिखाती है, जो गंधार काल के दौरान विकसित हुए हैं। इसमें मूर्ति कला के उपचार में कौन सी है, ग्रीको रोमन तत्व है, यानी कि जो मूर्ति कला में कौन सी है, ग्रीको रोमन का मिक्सर है। बुद्ध के सिर विशिष्ट हेलेनिस्टिक तत्व हैं, जो समय के साथ विकसित हुए हैं। बुद्ध के बाल, इन्होंने घुंघराले बाल दिखाए जो आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये इनके बाल इन्होंने कर्ली दिखाए हैं। और सिर पर नुकीले और रैखिक स्ट्रोक की ढकी हुई परत है। माथे का तल बड़ा हुआ है, नेत्र गोलक कैसे के साथ इन्होंने दिखाया गया है। तो जो ये पूछ सकते हैं कि जो बुद्ध के घुंघराले बाल वाले जो फेस है वो कहाँ पाया गया है, तो वो गंधार क्षेत्र में तक्षशिला में पाया गया है। आंखें बंद है और चेहरा
गाल जो है भारत के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले चित्रों की तरह गोल नहीं है। भारीपन की एक निश्चित मात्रा है जो गंधार क्षेत्र के आंकड़े हैं। कान लंबे होते हुए विशेषकर जो ईयर लोब है वो थोड़ी सी लंबी है। रूप की संधि में रैखिकता होती है और रूपरेखा तेज होते हैं। सतह चिकनी है, छवि बहुत अभिव्यंजक है। आंखें जो सॉकेट के घुमावदार और उभरे हुए विमानों और नाक के विमानों का उपयोग करके प्रकाश और अंधेरे की परस्पर, या आप ये देख रहे होंगे, ये अंधेरे की परस्पर क्रिया को पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। शांति की अभिव्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु है। चेहरे की जो मॉडलिंग है वो त्रि आयात्मा है कि थ्री डायमेंशनल की प्रकृतिवाद को बढ़ाती है। अकमेनियन, पार्थियन और बैक्ट्रान परंपराओं के विभिन्न लक्षणों को आत्मसात करना यह स्थानीय परंपरा नहीं है, यह गांधार शैली की पहचान है। तो ये कौन सी शैली की पहचान है? ये गांधार शैली की पहचान है। गांधार छवियों में कौन सा पाया जाता है? ग्रीको रोमन परंपरा की शारीरिक विशेषता पाई जाती है, लेकिन वे शारीरिक विभिन्नों को एक बहुत ही अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं जो पूरी तरीके से ग्रीको रोमन नहीं है। बुद्ध की छवियों के विकास के स्रोत के साथ साथ अन्य की उत्पत्ति पश्चिमी और पूर्वी शैलियों में अजीबोगरीब परिस्थितियों में हुई है। यह भी देखा जा सकता है कि भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग जो अब पाकिस्तान है हमेशा से आद ऐतिहासिक काल के निरंतर बसा हुआ है। आद ऐतिहासिक काल से मतलब है जिसके हमारे पास लिखित दस्तावेज तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, तो किसमें आता है? वो आद ऐतिहासिक काल में आता है। तो जो ऐसे ही अशोक के जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों में से कुछ ही पढ़ पाए हैं, और जो सबसे पहला पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिसम द्वारा, उन्होंने उनकी जो उन्होंने वो लैंग्वेज उन्होंने डिस्क्राइब की है शिलालेखों पर, वो जेम्स प्रिसम ने उसको पढ़ा था। गंधार क्षेत्र में बड़ी संख्या में चित्र पाए गए हैं जिनमें बुद्ध के जीवन के आख्यान, जातक कथाओं के कथन और बोधिसत्व चित्र शामिल है। फिर आते हैं बुद्ध बैठे सारनाथ, यानी कि सारनाथ जो वाराणसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आई थिंक ये 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से संबंधित है। सारनाथ से बुद्ध की यह छवि सारनाथ में साइट संग्रहालय में रखी गई है। तो जो बुद्धा जो बैठे हुए हैं सारनाथ में कौन शताब्दी के हैं? ये 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के हैं। इसे चुनार बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये पद्मासन बुद्ध सिंहासन पर विराजमान है। आप देख रहे होंगे ये पद्मासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। यह धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो ये कभी कभी जो आपको नाम दे देगा पूछेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो ये धम्म चक्र परिवर्तन की घटना कहलाती है। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जैसा कि सिंहासन पर मौजूद आकृतियों से देखा जा सकता है कि सिंहासन के नीचे का पैनल केंद्र में एक चक्र और दोनों ओर हिरण को अपने शिष्यों के साथ दिखाया गया है। इसी प्रकार यह धर्म चक्र परिवर्तन की ऐतिहासिक घटना या धर्म के उपदेश का प्रतिनिधित्व है। बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शरीर पतला और अच्छी तरह से अनुपातिक है लेकिन थोड़ा लंबा है। रूपरेखा ने नाजुक बहुत लयबद्ध चित्र स्थान में दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुड़े हुए पैरों का विस्तार किया जाता है। चिलमन क्या होता है? चिलमन होता है जिसको वो अपने शरीर पर लपेटते थे, यानी कि कपड़ा होता था। चिलमन शरीर पर चिपक जाता है और एकीकृत मात्रा का प्रभाव पैदा करने के लिए पारदर्शी होता है। चेहरा गोल है, आंखें आधी बंद है, निचला होठ बाहर निकला हुआ है और गालों की जो गोलाई है मथुरा में कुषाण काल की पिछली छवियों में से कम हो गई है। हाथों को चेहरे के थोड़े ठीक नीचे, यानी कि आप ये देख रहे हैं हाथों कहाँ रखा हुआ है, ये थोड़ा सा चेस्ट के नीचे रखा हुआ है, यानी कि धम्म चक्र परिवर्तन की स्थिति में रखा हुआ है। यानी कि उसने क्या दिखाया है? उन्होंने दिखाया है धम्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में दिखाया गया है हाथों को। गर्दन दो छितरी हुई रेखाओं के साथ लंबी होती है जो सिलावटों को दर्शाती है। उषा निशा क्या होती है? उषा निशा में गोलाकार घुमावदार बाल है, यानी कि जो इनके उषा निशा में गोलाकार घुमावदार बाल है जो आप ये देख रहे होंगे। प्राचीन भारत में मूर्तिकारों का उद्देश्य हमेशा बुद्ध को एक महान इंसान के रूप में प्रस्तुत करना था जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध एक महान इंसान के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि आप सभी ने बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी बुद्ध की। बुद्ध कौन थे? वो शक गणराज्य यानी कि शुद्धोधन के लड़के थे। शुद्धोधन को एक बार सपना आता है तो सपने में उनको 7 चीजें दिखाई देती है, ड्रम, चक्र, ये 7 आदमी घूमते हुए। तो वो जब उनके दरबार में कोई सन्यासी आता है तो वो उसका उल्लेख करते हैं कि जो आपका ये राजकुमार है सिद्धार्थ, ये आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जो उनके फादर हैं शुद्धोधन, वो थोड़ा विचलित हो जाते हैं कि अगर ये सन्यासी बन गया तो मेरा राजपाट कौन देखेगा। तो वो क्या करते हैं, गौतम बुद्ध को अपने उसमें ही महल में ही उनको वो सारे दुनिया के सारे ऐशो आराम देते हैं। लेकिन
जबी जो जितने भी उनके वो ऐशो आराम है वो ही चीज यहाँ पर उकेरी गई है, जितनी भी हमें केव्स प्राप्त हुई है, चाहे वो एलिफेंटा की हो, अजंता की हो, या वो बाघ गुफाएं हो, उन सबों में यही दिखाया गया जाता कथाओं में। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनके फादर होते थे सुद्धोधन, उन्होंने उनको एक महल में ही सब कुछ सारे के सारे उन्होंने उनको ऐशो आराम देने की कोशिश की, लेकिन उनका मन उस चीज में नहीं लगा। उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। तो जब उन्होंने वो बाहर की दुनिया देखनी चाहिए तो उनके फादर ने पूरा का पूरा गांव खाली करा दिया कि कोई भी राजकुमार सिद्धार्थ के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जब वो रथ में बैठकर अपने सारथी चन्ना के साथ जाते हैं, तो आपने सभी ने देखा होगा, पहले एक बुजुर्ग आते हैं, फिर एक शव आता है, फिर कुछ बच्चे आते हैं, तो वो उनसे जानते हैं कि बच्चा क्या है, बूढ़ा क्या है, इंसान क्या है। तो उनका एक तरीके से हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो आई थिंक 30 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ते हैं। और उन्हें बिहार में बोध गया नामक जगह पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं, जिन्होंने निर्वाण यानी कि क्रोध और घृणा की समाप्ति को प्राप्त किया। सिंहासन के पिछले भाग को एक संकेतित व्रत में रखे फूल और लताओं के विभिन्न रूपांकन सजाया गया है। प्रभाव मंडल का मध्य भाग किसी अलंकरण से सादा है। यह प्रभाव मंडल को नेत्रहीन प्रभावशाली बनाता है। प्रभाव मंडल और सिंहासन के पीछे की सजावट कारीगर की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इस अवधि के सारनाथ बुद्ध के चित्त सतह और आयतन के उपचार में काफी नरमी दिखाते हैं। पारदर्शी चिलमन का हिस्सा बन जाता है। इस तरह का शोधन एक भौतिक शरीर का हिस्सा बन जाता है। इस तरह शोधन एक भौतिक शरीर का हिस्सा बन जाता है। इस तरह की बहाली समय की अवधि में आती है और ये विशेषताएं बाद की अवधि में भी जारी रहती हैं। सारनाथ में खड़ी स्थिति में कई अन्य बौद्ध प्रतिमाएं हैं जिनमें पारदर्शी चिलमन सूक्ष्म गति जैसी विशेषताएं हैं, जो अलग से खुदी हुई और धर्म राजगढ़ स्तूप के चारों ओर स्मारक स्तूपों के बारे में है। ये चित्र अब सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। वे या तो अविवाहित है या बोधिसत्व पद्मानी और वज्रपाणि के परिचित आंकड़ों के साथ है। पद्मानी का मतलब जिसने हाथ में कमल धारण किया हुआ है, वज्रपाणि जिसने हाथ में वज्र धारण किया हुआ है। फिर आते हैं हम पद्मनी बोधिस अजंता गुफा संख्या नंबर 1। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मनी जो बोधिसत्व अजंता की जो पेंटिंग है वो कौन सी गुफा में है, तो गुफा नंबर 1 में है। अजंता की गुफा संख्या 1 में मंदिर पर कक्ष से पहले आंतरिक हॉल की पिछली दीवार पर ये पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। बोधिस क्या है, अपने एक हाथ में कमल धारण किए हुए आप ये देख रहे होंगे, इन्होंने एक लोटस धारण किया हुआ है और जिसके कंधे बड़े हैं, शरीर में 3 मोड़े हुए हैं जो स्थान में गति करते हैं। मॉडलिंग नरम और आयमिता की प्रभाव पैदा करते हुए रूपरेखा को शरीर की मात्रा के साथ मिला दिया जाता है। बोधिसत्व की आकृति ने एक बड़ा मुकुट पहना हुआ है जिसमें विस्तृत प्रतिपादन दिखाई देता है। सिर बाईं ओर थोड़ा मुड़ा हुआ है, आंखें आधी बंद है, थोड़ी लंबी है, नाक तेज और सीधी है। चेहरे के सभी अनुमानित विमानों पर हल्के हरे रंग का उद्देश्य कौन से रंग का, हरे रंग का त्रियामी प्रभाव पैदा करना है। मन का हार में भी समान विशेषताएं, चौड़े और फैले हुए कंधे शरीर में भारीपन पैदा करते हैं। धड़ अपेक्षाकृत गोले, रेखाएं नाजुक लयबद्ध होती हैं और शरीर की आकृतियों को परिभाषित करती है। दाहिने हाथ में कमल और बायां हाथ अंतरिक्ष में फैला हुआ है। बोधिसत्व छोटी आकृतियों से घिरा हुआ है। बोधिसत्व का दाहिना छोटा हाथ छवि को अधिक ठोस और प्रभावी रूप से घना बनाता है। धड़ के ऊपर के धागे को इसके आयामों को इंगित करने वाली महीन सर्पिल रेखाओं के साथ दिखाया गया है। शरीर के प्रत्येक भाग पर समान ध्यान दिया जाता है और उनमें कौन से रंग है, हल्के लाल, भूरे, हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन रंगों पर फोकस करना है क्योंकि इन रंगों पर से क्वेश्चन आएगा। नाक के अनुमान निचले होंठ के प्रक्षेपण के साथ होठों को छिताया हुआ है। सीरा और छोटी ठुड्डी आकृति संरचना में ठोसता के समग्र प्रभाव में योगदान करती है। तो गुफा नंबर 1 में पेंटिंग अच्छी गुणवत्ता की है और बेहतर संरक्षित है। सदियों से अजंता के चित्रों में कुछ विशिष्ट और विशिष्ट रूपांतरण को देखा जा सकता है। तो पद्मानी बोधिस्त की अजंता की गुफा कौन सी में है, गुफा नंबर 1 में है। प्रतिमा के दूसरी ओर वज्रपाणि बोधिसत्व को चित्रित किया गया है। वे दाहिने हाथ में वज्र धारण करते हैं और मुकुट धारण करते हैं। इस छवि में भी वह चित्रात्मक गुण है जैसे पद्मपाणि गुफा नंबर 1 में है। बोध विषयों के कई दिलचस्प चित्र हैं जैसे कि महाजनक जातक, उमक जातक आदि। महाजातक पूरी दीवार की तरफ चित्रित और सबसे बड़ी कथा पेंटिंग है। तो सबसे बड़ी कथा पेंटिंग कौन सी है अजंता में, महाजातक
जो कथा पेंटिंग है वो सबसे बड़ी कथा पेंटिंग है। ये देखा जा सकता है कि पद्मिनी और वज्रपाणि को इसके चित्रों का तीर्थ संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। इसी तरह की प्रतीकात्मक व्यवस्था अजंता की अन्य गुफाओं में भी देखी जाती है। हालांकि गुफा नंबर एक में पद्मिनी और वज्रपाणि अजंता के सर्वश्रेष्ठ जीवित चित्रों में से एक है। फिर आता है हमारा मारा विजय अजंता गुफा संख्या 3। तो जो मारा विजय की मूर्ति है वो कौन सी गुफा में है? वो अजंता की गुफा नंबर 26 के अंदर विराजमान है। अजंता की गुफाओं में मारा विजय की थीम को चित्रित किया गया है। ये गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर तराशा गया एकमात्र मूर्ति कला प्रतिनिधि है। यानी कि जो गुफा नंबर 26 में केवल ये ही एक मूर्ति कला है, इसको मारा विजय की मूर्ति कहते हैं। इसे गुफा नंबर 26 के दाहिनी दीवार पर उकेरा गया है। यह महापरिनिर्वाणा की विशाल छवि के पास तराशा गया है। पैनल अपनी बेटी के साथ, यानी कि जो पैनल में क्या दिखाया गया है, बेटी के साथ मारा की सेना है के घेरे केंद्र में किसकी छवि है? बुद्ध की छवि है। यानी कि बीच में कौन बैठे हुए हैं? बीच में बुद्ध बैठे हुए हैं। ये रे और छात्र कौन है? मारा है, वो अपनी सेना के साथ में और अपनी लड़की के साथ में है। घटना ज्ञानोदय का उद्देश्य है, यह उस चित्त की हलचल का एक रूप है जिसे बुद्ध ज्ञानोदय के समय गुजरे थे। मारा इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। कथा के अनुसार बुद्ध और मारा के बीच एक संवाद है। बुद्ध को उनके दाहिने हाथ से दिखाया गया है जो उनकी उदारता के साक्षी के रूप में पृथ्वी की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे। तो यह राहत मूर्तिकला जो पैनल अत्यधिक एनिमेटेड है और अजंता में एक बहुत ही परिपक्व मूर्तिकला शैली को दर्शाता है। अत्यधिक चमकदार छवियों के साथ रचना बहुत जटिल है। पिक्चर स्पेस में उनकी विविध की व्यवस्था अत्यधिक गतिशील और काफी गति उत्पन्न करती है। तो जो ये मारा विजय की जो मूर्तिकला है आपको अजंता की कौन सी गुफा मिलेगी? गुफा नंबर 26 में मिलेगी। दाहिनी ओर की आकृति में दिखाया गया है कि मारा अपनी सेना के साथ विभिन्न प्रकार के लोगों से साथ आ रहा है, जिनमें कुछ अजीबोगरीब जानवर के चेहरे भी शामिल है। संगीतकारों के साथ निचले आधार पर नृत्य करने वाली आकृति आगे की ओर उभरी हुई कमर है और नृत्य की एक आकृति ने कोणीय ललाट रूप के साथ नृत्य मुद्रा में अपने हाथों का विस्तार किया है। बाईं ओर निचले सिरे पर बुद्ध के नाम सिद्धार्थ को बुद्ध से पहले कैसे परेशान किया है, इस पर चिंतन करते हुए श्री की छवि दिखाई गई है। पैनल के सबसे पहले आधे हिस्से में मारा की सेना को आराधना करते हुए दिखाया गया। केंद्र में स्थित बुद्ध पद्मासन में और पीछे एक पेड़ घने पत्ता दिखाया गया। मारा सेना के चेहरे की कुछ विशेषताओं में विदर्भ की मूर्तियों के मौन पात्र हैं। अजंता के कारीगर जो थे वो समितियों में काम करते थे और उनकी शैलीगत संबंधता का पता इसी तरीके शैलीगत विशेषताओं की पहचान करके लगाया जा सकता है। यह अजंता का सबसे बड़ा मूर्तिकला पैनल है। यद्यपि अजंता की गुफाओं में और विशेष रूप से मंदिर में स्थित कई बड़ी छवियां हैं, एंटी चैम्बर और साथ ही सामने की दीवारें आकृतियों को ऐसी जटिल व्यवस्था अद्वितीय है। दूसरी ओर चित्रित पैनल अपनी व्यवस्था में ऐसी जटिलताओं को प्रदर्शित करते हैं। औरंगाबाद की गुफाओं में भी इसी तरह की एक चैनल में नृत्य की आकृतियों की व्यवस्था देखी गई है। फिर आते हैं महेश मूर्ति। महेश मूर्ति कहाँ पर है? ये एलिफेंटा में, यानी कि ये तीन मुंह वाले शिव की मूर्ति है। एलिफेंटा में महेश यानी कि भगवान शंकर। महेश की मूर्ति की छवि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। यह मुख्य गुफा मंदिर में स्थित है। पश्चिमी दक्षिण की मूर्ति कला की परंपरा में ये एक रोकट गुफाओं में छवियों की तराशने में गुणात्मक उपलब्धि है, सर्वोत्तम उदाहरण से है। छवि आकार में बड़ी है। केंद्रीय जो शिर किसका है? वो शिव की आकृति, यानी कि जो आप सेंटर में सीख रहे हो किसका है? ये शिव का फेस है। जबकि अन्य दो किसके हैं? वो भैरव और उमा के हैं। केंद्रीय चेहरे के ला गोल चेहरे मोटे होठ और भारी पलकों के साथ उच्च राहत में है। निचला होठ एक बहुत ही अलग विशेषता दिखाते हुए प्रमुख रूप से फैला हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि महेश मूर्ति की जो गुफा जो पे वो मूर्ति है कहाँ पाई गई है? एलिफेंटा में पाई गई है। और कितनी सिर की है? तीन सिर की है। जो बीच वाला सिर किसका है? भगवान शिव का, बाकी वे भैरव का है, उमा का है। इस मूर्तिकला में शिव के सर्वसमावेशी पहलू को नरम मॉडलिंग, चिकनी सतह और बड़े चेहरे द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उभरी हुई आंख और मूछों के साथ शिव भैरव को चेहरा गुस्से में प्रोफाइल से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। स्थिर चरित्र को दर्शाने वाला दूसरा चेहरा उमा का है, जो शिव की संपू भरता है। यानी कि जो ये दूसरा चेहरा किसका है? उमा का है। और वो मस्तक वाला चेहरा भैरव का है गुस्से के साथ। यह छवि केवल तीन चेहरों के साथ दिखाए जाने के बावजूद एक ही किस्म के रूप में मानी जाती है और सिर और पीछे के चेहरों को अदृश्य माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें पांच फेस बताए जाते हैं लेकिन तीन चेहरे ही दिखाई देते हैं, बाकी दो चेहरे कैसे हैं? वो
इनविजिबल है। प्रत्येक चेहरे को अपने प्रतीकात्मक नुस्खे के अनुसार एक अलग मुकुट होता है। इस मूर्ति को गुफा के दक्षिणी द्वार पर, तो ये कौन सा है, ये जो साउथ गेट है उस पर है, अर्धनेश्वर की मूर्ति और गांधार पैनल के साथ तराशा गया है। एलिफेंटा के मूर्ति सतह की चिकनाई बढ़ा और लयबद्ध गति अपने गति के अपने उल्लेखनीय गुणों के लिए जानी जाती है। इनकी रचना अत्यंत जटिल है। इस गुफा की प्रतीकात्मक व्यवस्था गुफा संख्या 29 एलोरा में दोहराई गई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जो महेश मूर्ति की, जो एलिफेंटा की मूर्ति है उसको कहाँ दोहराया गया है, तो जो एलोरा की गुफा संख्या 29 है उसमें इसको दोहराया गया है प्रतीकात्मक को। तो कमेंट सेक्शन में सेशन कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।